कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर मंदिर परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम को आयोजित किया है। युवाओं ने यहां बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और लोगों को जागरूक करने का काम भी किया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर हंडिया यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नर्मदा के प्रसिद्ध मंदिर प्रांगण में पहुंचकर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता महासंघ के अध्यक्ष सिद्धांत तिवारी ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि युवाओं को इस ओर आगे आना चाहिए। इस कार्यक्रम के दौरान देखा जाए तो सभी लोग खासे उत्साहित नजर आ रहे थे और सभी ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की जयंती है, उनके लिए मैं दो शब्द बोलना चाहूँगा कि उपलब्धियाँ और उनकी महानता तो इतनी है कि जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, लेकिन जिनने अपने प्राणों की आहुति दे दी देश को, तो वो इंसान की महानता प्रधानमंत्री होने के बाद कोई भी व्यक्ति आराम से लगा सकता है। आज उनकी जयंती पर पूरे यूथ कांग्रेस द्वारा पूरे इंडिया में वृक्षारोपण किया जा रहा है। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान की शुरुआत आज से की गई है, तो हरदा ज़िले में भी हर जगह यूथ कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। आज हंडिया में मैं और मेरे पूरे साथीगण मिलकर रिद्धनाथ के पावन तट पर नर्मदा जी का नाभि स्थल है, यहाँ पर हमने झाड़ लगाया है और भी हम हंडिया में स्कूल में और खेड़ापति हनुमान में भी झाड़ लगाने जा रहे हैं। अभी तो जगह जगह झाड़ लगा रहे हैं जिससे कि हमारी प्रकृति को और मजबूती मिले और जिससे जीवन और सरल हो सके।